वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे कैरी प्लस चैनल में। उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल गई, इसमें आ रही है यहाँ पर जो पीसीएस 2025 और आरओ को लेकर 2024 को भी है कैलेंडर शामिल करा जा सकता आयोग, मतलब क्या इसमें कर सकता आयोग यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से यहाँ पे भर्तियों को लेकर पटरी पर लाना जो बड़ी चुनौती यहाँ पर जो ये आपने देखा दो भर्तियाँ बड़ी आउट हो गई थी यहाँ पर जो पीसीएस के संबंध में जानकारी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर जो आरओ को लेकर यहाँ इसमें अपडेट आ चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर ये जो है वो निकाली गई यहाँ पर जो है। तो ये जो है वहीं पर आपके लिए खुशखबरी इसमें आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए संविदा सभी कर्मचारी को मान्य तय करेगी, इसमें तय हो चुका है यहाँ पर जो इनको जो 10,700 रुपये दिया जाएगा। थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा यहाँ पर जो ये देख लीजिए, यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सफाई कर्मचारी मजदूरी तय कर दी गई है। अब इसमें जो है 412 रुपये और जो है 10 माह में यहाँ पर 10,712 रुपये दिए जाएंगे। सचिव ने यहाँ पर जो है घोषणा कर दी गई 10,712 रुपये इनमें जो है सैलरी मिलेगी, तो उसी के संबंध में जानकारी दे रखी है यहाँ पर जो ये देख लीजिए। यहाँ पर एक हुआ 10,712 रुपये इसमें जो है ये आपको जो है प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर 412 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से श्रम विभाग ने यहाँ पर जो है इसमें घोषणा कर दी गई है और इसमें नगर आयुक्त को अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और लखनऊ में जो 9,000 को जो लाभ मिलेगा है ना, तो इसमें जो है नगर निगम में कम से कम 12,000 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं यहाँ पर जो ये सबके लिए वेतन की यहाँ पर जो ये यहाँ पे वो इसमें जो है घोषणा कर दी गई यहाँ पर जो ये। उसके बाद 762 जो है नगर निकायों में प्रदेश में जो 30 दिन के आधार पर जो है 26 दिन का इसमें मानदेय तो दिया जाता है, तो अब इनको पूरा पूरा जो है पूरा मानदेय दिया जाएगा। उसी के संबंध में जानकारी दे रही है आउटसोर्सिंग पर यहाँ पर कार्यरत जो थे उसके बारे में दिया हुआ ये जो है मानदेय को लेकर जो है लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर इसमें आ चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये आपका अमर उजाला हो गया, वो आपका दैनिक जागरण हो गया, तो मैंने आपको दोनों इसमें जो है दिखा दी गई। फिलहाल जो है ये जो ठेके पर भर्ती होती थी वो बंद करके जो अपने स्तर पे जो है सरकार भर्ती करेगी, उसके संबंध में जानकारी यहाँ पे जो है वो दे रखी है। यहाँ पर तिहाड़ी मजदूरी आपको 412 रुपये इसमें दी जाएगी क्योंकि सैलरी इसमें बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सैलरी यहाँ पर जो है फिलहाल बढ़ा दी गई यहाँ पर जो ये। वहीं पर एक खबर और निकल गया यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, यहाँ पर बताया गया इसमें कनिष्ठ सहायकों के जो है 2,702 पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन जारी कर दिया गया यहाँ पर जो ये लखनऊ के अंतर्गत। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये लखनऊ से बहुत बड़ी खबर निकल गई, हमारी सरकारी विभागों में विश्वविद्यालयों में कनिष्ठ सहायकों के जो है 2,700 पदों पर जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है भर्ती करेगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी हुई या कुछ भी हुआ तो 23 दिसंबर से जो है और 22 जनवरी तक जो है ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म, इसके स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म यहाँ पर जो ये हॉस्टल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ना, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है 70 विभागों में देखो लिखा हुआ यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के 70 विभागों में कनिष्ठ सहायकों की जो है 2,700 पदों पर होगी भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया दिशा निर्देश। तो 23 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर इसमें आ चुकी है देख लीजिए। और लड़के जो कह रहे थे पीईटी पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये ऑनलाइन देना होगा 25 रुपये शुल्क। आपको आप सभी जानते होंगे आपने फॉर्म भरा होगा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो भी भर्ती आती है तो उसमें जो 25 रुपये शुल्क यहाँ पर जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो है उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, ओटीपी वगैरह आएगा और क्या क्या होगा एक बार देख लीजिए। समूह क ख ग व घ 4% इसमें आरक्षण को लेकर यहाँ अपडेट भी इसमें आ चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी हुई या कुछ भी हुआ 70 विभागों में यहाँ पर जो है कनिष्ठ सहायकों के जो है 2,702 पदों पर भर्ती के यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया यहाँ पर जो ये। वहीं पर एक खबर और निकल के इसमें आ रही है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के समय पर आपत्ति, यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से यहाँ पर जो अपडेट इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा अपडेट यहाँ पर दे रखा हूँ। इसमें जो ये मैं कल एक खबर आई थी यहाँ पर कि विद्युत विभाग भी जो है वो निजी हाथों में दिया जाएगा, आपने देखा होगा है ना प्राइवेट कर दिया गया हर जगह जो है, तो यहाँ पर लिखा हुआ निजीकरण में जो फंसा आरक्षण का पेच और अभियंताओं को दिया आंदोलन की चेतावनी। उन्होंने कहा कॉरपोरेशन अभियंता के बीच में वार्तालाप हुई है, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, उन्होंने कहा निजी हाथों में जो है सौंप रहे हैं, तो जब निजी हाथों में देंगे तो अपने हिसाब से सैलरी देंगे, अपने हिसाब से कर्मचारी रिटायरमेंट करेंगे, तो उन्हीं को यहाँ पर संबंध में जानकारी दे रखी है। देख लीजिए यहाँ पर भी जो है उसी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बताया गया है, इसमें निजी हाथों में देंगे बिजली आपूर्ति व्यवस्था, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, इसमें जो है ये पार्टनरशिप के लिए अंतर्गत यहाँ पर जो है अपडेट इसमें आ चुकी है, एक बार देख लीजिए उसके बाद ही जो है इसका मतलब एक्शन लीजिएगा यहाँ पर जो ये।
वहीं पर एक अपडेट और, यहाँ पर जो है आज मुख्यमंत्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यहाँ पर दीक्षांत समारोह है और उन्होंने कहा कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर दीक्षांत समारोह में आज जो है तो मुख्यमंत्री जो है चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो वार्तालाप है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो डिग्रियाँ बच्चों को बांटी जाएंगी यहाँ पर जो है 11 बजे से जो है पहुँचने इसमें पहुँचने की संभावना है इसमें जो, तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए यहाँ पर 11 बजे पहुँच जाएंगे यहाँ पर जो है ये देख लीजिएगा। वहीं पर एक अपडेट और, यहाँ पर जो है ये CMG का विरोध किया गया इसमें ऐलान, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये अपडेट इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो। वहीं पर बात करेंगे इसमें BPSC है ना, तो आप बिहार लोकसभा की तरफ से यहाँ पर जो है ये 2 बार पीटी निकला और जॉब नहीं पाई, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो ये अभी इन्होंने जो है जैसे उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से यहाँ पे जो PCS वगैरह निकलते हैं ऐसी जो है BPSC में भी यहाँ पर जो है बताते हैं, तो ये देख लीजिए हार नहीं मानी और 4थे प्रयास में DSP पद पर आ गए ठीक है, और 2 बार जो पीटी नहीं निकला तो पाई जॉब, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर वगैरह जो है इसमें आ चुके हैं इसमें जो ये। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर बताया गया आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर, मतलब वही अखबारों में जो है ये सामान्य परिवार के लोग बार बच्चे जो है IAS टॉपर बन जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर बताया गया इसमें 5 पदों के लिए उम्मीदवार नहीं मिले यहाँ पर जो योग्य उम्मीदवार, यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है ये। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी और दे रखी है, बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपना जो सरकार की जो है नाकामी है, ये चीज देख लीजिए यहाँ पर जो है ये अब सारी व्यवस्था जो आउटसोर्सिंग से करने पे है। और यहाँ पर लिखो बिजली विभाग में आज भी संविदा पर कार्यकर्मचारी का शोषण हो रहा है और 1 बिजली कर्मचारी के यहाँ तिहाड़ी मजदूरी से भी यहाँ पे कम जो है मजदूरी पे काम कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जो ये। वहीं पर एक अपडेट और आ चुकी है यहाँ पर जो देख लीजिए, सिटी बोर्ड नर्सिंग, तो यहाँ पर जो अगर कोर्स के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर देगा सचिव PNP की तरफ से, यहाँ पर जो ये अपडेट्स आ चुकी है। तो आप सभी जानते हैं NTT, आप सभी जानते हैं लड़कियां करती हैं ये NTT के फॉर्म इसमें चल रहे हैं, इसमें जो है ये NTT वगैरह जो है ये है ना DPED CPED वगैरह जो है ये ऑनलाइन फॉर्म जो है 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा, जो 26 दिसंबर 2024 तक चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए जो प्रिंट आउट वगैरह जो कैसे निकाला है, जो टैट होता है वैसे यहाँ पर जो है ये NTT होता है ठीक है, और केवल जो है महिला को लिए कौन कौन सा है वो एक बार देख लीजिए उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा यहाँ पर जो ये। आउटसोर्सिंग सभी कर्मचारियों को 10 माह का वेतन के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। वहीं पर एक अपडेट और है कि सैनिक स्कूल जो है आपका राजस्थान झुंझुनू की तरफ से वैकेंसी चल रही है, TGT सोशल साइंस है काउंसलर की वैकेंसी यहाँ पर बताई गई यहाँ पर जो ये, और भैया लास्ट डेट देख लीजिए यहाँ पर जो है 14 दिसंबर 2024 से पहला ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है और यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, देख लीजिए नीचे साइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो इस वाली साइट पर जाइएगा और यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो है भर दीजिएगा यहाँ पर जो ये। वहीं आपका सैनिक स्कूल की तरफ से एक जो है वैकेंसी एक ही आ गई यहाँ पर जो है ई ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, लैब असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया यहाँ पर जो ये इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पर चल रही है ठीक है, देख लीजिए सैलरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई सैनिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर जो ये इसके अंदर भी फॉर्म जो आप ये भर सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी इसमें जो है निकल के सामने आपसे आ चुकी है यहाँ पर जो ये। वहीं पर अब बात करेंगे यहाँ पे जो है कमेंटों की, और यहाँ पे जो है तो मैंने आपसे बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट की कम से कम 300 से लेकर 400 वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है ओल्ड वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर में जो है मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, ऑलरेडी भाई पूरा वीडियो देख लीजिए जानकारी इसी में आपको मिल जाएगा, आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो भाई आपको जानकारी नहीं मिल पाता, कॉन्टेंट बेसिस में होनी चाहिए सभी जो है ये वर्दी ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी मिल सके, सही बात है यहाँ पर जो है सभी को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसी टेंशन कोई बात नहीं है, मराठी कॉलेज में जो प्रतीक कब तक होगी इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ देख लीजिएगा ठीक है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच।